हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। और आप क्या कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताना। और ये सुबह सुबह का टाइम है, बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है मॉर्निंग का सभी का। मेरे ख्याल से सभी का ऐसा ही टाइम जाता होगा। मे भी मतलब सभी फास्ट फास्ट हैं, अब लॉकडाउन कुछ ऐसा ही है। कई घरों में लोग बाग काम पे जा रहे हैं, कईयों में नहीं जा रहे हैं। तो जिनके घर में जा रहे हैं उनका तो सुबह सुबह का यही रूटीन होता है कि फटाफट से नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, टिफ़िन पैक करो। बच्चों का तो नहीं, पर हस्बैंड्स का तो करना पड़ता ही है। तो यहाँ बस मैंने सुबह सुबह खाना बनाया, बिल्कुल सिंपल सोबर सा खाना बनाऊँगी, एक प्रॉपर थाली बनाऊँगी आज। तो आप ज़रूर देखिएगा कि क्या क्या मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बस जीरा डाला तेल में, तेल होते ही फिर मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दिए। आज मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। एक्चुअली मैंने बनाए थे राजमा की जब मैंने डाली थी रेसिपी, तो मुझे किसी ने बोला था कि आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए तो स्वाद और आता है। हाँ, क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है सब्ज़ी के स्वाद को। मैं थोड़ा सा आलसी हो जाती हूँ लहसुन छीलने में, तो मैंने क्या किया, बहुत सारा लहसुन छील के मतलब पीस के रख लिया अब। और ये तो थोड़ा सा कूट लिया था मैंने, तो वही डाला है। तो अब ये जब तक लहसुन हो जाएगा हमारा, उसके बाद मैं अच्छे से चलाने के बाद, तो ये लहसुन और अदरक हो जाएगा ना, तो मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। और आप लोगों को साथ ही साथ धन्यवाद भी करूँगी क्योंकि आप लोग मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हो। आई होप आप लोग मेरा इसी तरीके से हमेशा साथ देते रहें। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगी, मैं बहुत सीधी सादी सी वीडियो बनाती हूँ, सीधा सादा सा खाना बनाती हूँ। मैं रोज़ कोई पकवान ऐड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि घर की स्थिति को भी देख के हमें चलना होता है। हम रोज़, मैं आपको यहाँ पे शायद अपने चैनल पे रोज़ नया नया कुकिंग नहीं दिखा पाऊँगी, डेली जो खाना बनता है वही शो कर पाऊँगी क्योंकि हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है। मैं जस्ट वीडियो के लिए अपने घर का बजट हिलाने वाली नहीं हूँ कि मैं रोज़ आपको आज मैं पनीर बना के दिखाऊं, तो आज मैं आपको ये बनाऊं, आज मैं वो बनाऊं। नहीं, जो मेरे घर में सिंपल सोबर सा खाना बनता है मैं वही आपको बना के दिखा रही हूँ इसी वजह से। तो यहाँ मैंने बस मसाले ऐड कर दिए थे, वो सिंपल मसाले हैं, आप लोगों को पता ही है, वो कर दिए हैं। जब वो मसाले अच्छे से हो जाएंगे तो मैं ये आलू डाल दूँगी। तो मैं सिंपल सी आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो बस आलू डाल देंगे। और यहाँ मैंने आटा ले लिया है, उसमें अजवाइन और नमक डाल दिया। तो मेरे बेटे को पूरी खानी थी, कई दिन से कह रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है मैं पूरी बना देती हूँ। तो बस आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने में तो कुछ भी नहीं है, पानी मैंने थोड़ा कम ही डालूँगी क्योंकि मेरे को ज़्यादा रसे वाली नहीं बनानी है। तो अब मैंने कुकर का जो गैस है वो दूसरी तरफ रख दी है, इतने उसमें सीटी आएंगी। यहाँ पर मैंने घिया घिस लिया है और घिस के मैंने उबालने रख दिया है क्योंकि मेरे को रायता बनाना है घी का। तो यहाँ जब तक ये उबलेगा, जब तक मैं ये दही को फेंट लिया है और इसके अंदर सफ़ेद वाला नमक, काला नमक और हल्की सी लाल मिर्च भी डालूंगी। और ये है मेरा पुदीने का पाउडर, तो मैं वो हाथों से क्रश करके डाल दूँगी और इसे मिला के रख दूँगी। जब ये घिया हो जाएगा हमारा तो इसे निचोड़ के अच्छे से और हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे और जीरा पाउडर डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, मैंने इसीलिए घिस के ही डाला था। और ये देखिए मैंने पूरा अच्छे से निचोड़ लिया है और इसे इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। तो रायता भी मेरा बन के बिल्कुल रेडी है, तो खाना बिल्कुल रेडी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज का जो नाश्ता कहो, लंच का जो कह लो, ये है। तो आपको कैसा लगा ये थाली मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आ गया ना मुँह में पानी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ क्योंकि वन मिनट दुपट्टा निकाल लूँ ना, और मैं आपको लग रहा होगा ना मैं कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे मार्केट से थोड़ा सा काम है इसीलिए, और लॉकडाउन के बाद मैं फर्स्ट टाइम मैं मार्केट जा रही हूँ। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। कुछ सामान लेकर आना था और अब मुझे याद भी नहीं है कि मेरे घर की चाबी कौन सी है इतने दिन हो गए ना, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी चाबी लगती है घर में। वन मिनट यार सही में नहीं पता चल रहा, मे बी ये है, आई थिंक यही है। चलो लॉक लेके लेते हैं, लगा लेते हैं। ओके, कौन सा ताला है यहाँ पे? चाबी यहीं पर है। सच में यार मैं चाबी भूल गई, हद है, चाबी भूल गई है, मतलब कौन सी लगेगी इधर। और पता नहीं क्यों
फोटोज बहुत अजीब सी आ रही है, तो दुपट्टा नीचे जाके बांधूंगी। अभी हम चल लेते हैं, पैसे ले लिए, फोन ले लिए, सैनिटाइजर ले लिया, सैनिटाइजर हाँ ले लिया, अभी चलते हैं। ओके तो हम यहाँ पर आ गए हैं मार्केट, बहुत छोटा छोटा सा सामान हमें लेना था, हम दो जने आए हैं। मेरे साथ ये जो स्काई कलर का दुपट्टा दिख रहा है ना, ये हमारे साथ में ही रहती हैं, मेरे साथ मतलब हमारे इस पीछे वाले रेंट पे रहती हैं, तो वो आई हैं, मतलब उनकी बेटी आई है मेरे साथ, तो हम दोनों ये मार्केट का मैं आपको दिखा रही हूँ। मार्केट पूरी खुली हुई है, कोई पर भीड़ नहीं है ज़्यादा, नहीं तो ये वाली मार्केट, मैं आई हूँ झंडे वाले मार्केट, लोगों जो देहरादून के होंगे वो जानते होंगे झंडे वाले मार्केट, जहाँ ये गुरुद्वारा है झंडे वाला। तो कॉस्मेटिक की शॉप पर हैं, जो छोटा मोटा सामान लिया है, लिपस्टिक, नेल पेंट वगैरह, तो वो सब लिया है, और इन्हीं पे मैं मोस्टली आती हूँ, इन्हीं शॉप पर। ये बिल्कुल झंडे वाले जी के बिल्कुल थोड़ा सा एक दो शॉप छोड़कर ही है, एक बुज़ुर्ग से अंकल हैं इस दुकान के जो हैं, वो मैं काफ़ी अच्छे देते हैं, अगर कुछ ख़राब भी हो जाता है एक्सचेंज बहुत ईजिली कर लेते हैं। तो यहाँ हम बस वही नेल पेंट छाट रहे थे, मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा था, फ़ोन पता नहीं इतना टाइम हो गया ना मार्केट नहीं जाए, और तो मैं बड़ा ही चुपके चुपके से वीडियो बना रही हूँ। मैंने कहा नहीं आप लोगों को थोड़ा बहुत शो कर दूँ कि हमने क्या क्या लिया है। और मैं घर आ चुकी थी, मैं 3:30 बजे आई थी, और आके ही मैंने चेंज कर लिया था, हाथ मुँह अच्छे से धो लिए थे, और मैंने अपनी फिर वीडियो की एडिट मतलब अपलोडिंग कंप्लीट करी, और जब भी थोड़ा सा लेट हो गई थी कल वाली वीडियो, और तो इसी वजह से यहाँ पे ये चाय पी रहे हैं, मैंने शाम का टाइम है, ये भी आ चुके हैं, और बस यहाँ पे बैठे हुए थे, कितना अच्छा लग रहा है ना, ग्रीन ग्रीन सा आ रहा है, तो ये बैठे हुए थे, तो मैंने कहा मैं इनसे बस वही बोल रही हूँ, मैंने कहा मैं कैमरा सेट कर रही, तो हंसने लग रहे थे, तो मैंने कहा यार थोड़ा तो चलता है, मैं गर्मी इतनी लग रही थी, तो मैंने ये लूज़ सा सूट है, ये जस्ट रिटायर्ड हो गया है, शायद एक दो दिन में आपको कुछ और ही दिखेगा इसका, तो मैं मेरे को और कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने यही पहन लिए थे, तो लूज़ है थोड़ा मुझे, और ये जितने घिसे हुए कपड़े होते हैं ना वो मुझे गर्मी में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें गर्मी नहीं लगती। तो हम यहाँ दोनों चाय पी रहे थे, तो अंकल जी हमसे बात कर रहे थे कुछ, तो हम उन्हीं से बात कर रहे थे, और यहाँ पे बस थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं हम, किसी भी कुछ भी पता नहीं किस टॉपिक पे बात करते, मैं भी भूल गई। शाम हो गई है, शाम को फिर खाना पीने की तैयारी हो गई है, तो कुछ खास तो बना नहीं है, फिर भी कुछ स्पेशल है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, बहुत ही अच्छा है। मैंने आपको बासी चावल की जो खिचड़ी बनानी बताई थी, तो आज मैं आपको देखिए अलग तरीके से खिचड़ी बनाना बता रही हूँ। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, तो बस उसी को मैं एक डब्बी में बंद करके रख रही हूँ, तो यहाँ पे ये काम करने के बाद मैंने दाल, जो धुली हुई मूंग होती है ना, आप कोई सी भी दाल ले सकते हैं, मैंने धुली हुई मूंग ली है, उसके अंदर एक बड़ा आलू काट के डाल दिया है, तो वही मैंने बॉईल करने रखी, तो वो हो चुकी है, अब हम इसका तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा जो तड़का है, मैंने तेल डाल दिया है, उसमें मैंने जीरा ऐड कर दिया है, जैसे ही जीरा हो जाएगा उसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी, प्याज करने के बाद एक चम्मच मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, और इसको करने के बाद ही मैं इसको अच्छे से चला दूंगी, और जब ये हो जाएगा उसके बाद मैं टमाटर ऐड कर दूंगी, और बस टमाटर को अच्छे से हम भून लेंगे। यहाँ पता है महाभारत आ रही थी, तो मैं महाभारत भी देख रही थी फटा, और इसको काम को भी कर रही हूँ, तो यहाँ बस इसको हम अच्छे से चला लेंगे, और जैसे ही टमाटर हो जाएंगे ना हमारे, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल पीस लेंगे इसको, और ये जो हमारी दाल है देखिए, ये मोटे मोटे जो हिस्से दिख रहे हैं ना, ये आलू हैं, तो बस इसको हम इसको डाल देंगे अच्छे से, और आलू आप चाहें तो छोटे छोटे भी काट के डाल सकते थे, तो मैं इसे चमचे से तोड़ दूँगी, और ये हमारी दाल में तड़का लग चुका है। ठीक है, यहाँ तक तो सेम वही है, और फिर अब मैंने जो चावल अलग से उबाले थे
तो ये मैंने दोनों अभी ही उबाले हैं, मेरा कोई भी बासी नहीं है इसमें। तो अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे, क्योंकि मैं वही खिचड़ी बना रही हूँ। तो क्योंकि मैंने कहा था कि हम कभी कभी ताज़ा ही चीज़ें बना के भी ऐसी खिचड़ी खाना पसंद करते हैं। और बस अब इसमें हम चावल डाल देंगे, और मतलब चावल आपको उतनी ही क्वांटिटी मिले, क्योंकि ये जो खिचड़ी होती है आपको पता सूखी सूखी नहीं होती, गीली गीली होनी चाहिए। तो चावल उतनी ही क्वांटिटी में डालें जितनी वो दाल के साथ अच्छे लगे। तो मेरे बल्कि थोड़े से चावल बच गए थे, मैं नमक डालना भूल गई थी दाल में, तो इसीलिए मैंने अब नमक डाला है। और तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा और डाल दिया है नमक, और अच्छे से चलाएंगे और थोड़ा सा एक उबाल सा आ जाएगा। उसके बाद आप नींबू डाल दीजिए, मतलब खदका सा लग जाए, और उसके बाद आप नींबू डाल दीजिए अगर आप पसंद करते हैं तो। पर खट्टा खट्टी खिचड़ी अच्छी लगती है। वैसे मैंने टमाटर डाले हैं, पर आप और डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो मैं तो नहीं तो नींबू डाला है, तो क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगती है खिचड़ी में नींबू, तो इस तरीके से डाल दिया मैंने एक चलनी में छान के, जिससे उसके बीज ना आए। और बस यहाँ मेरी खिचड़ी तैयार है। आप ज़रूर बताना आपको कैसी लगी है, क्योंकि बताना यार, सिंपल सोबर खाना अब गर्मी में क्या ना हल्का हल्का ही अच्छा लगता है। तो अब यहाँ देखिए मैं सर्व कर दूँगी इसे प्याज के साथ, अचार के साथ, दही के साथ, जिसके साथ आप चाहे खाना चाहे वो। मेरे घर में नहीं थी तो मैंने प्याज ही दी है, और बहुत ही डिलीशियस बनी थी। आप ज़रूर खा के बताइएगा, मतलब बना के और मुझे ज़रूर बताइएगा।